तो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी आज फिर जो है धरना प्रदर्शन पर हैं। क्या है पूरा मामला, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। जॉब या जॉब से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से भी दोस्तों आप जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों, हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी लगातार जो हैं धरना प्रदर्शन करके सरकार से अपनी मांगे जो हैं कर रहे हैं कि उनकी क्या क्या मांगे हैं। दोस्तों, इसको लेकर आज भी जो है हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया गया था। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। हरियाणा का एकमात्र ऐसे यूट्यूब चैनल है दोस्तों जिस पर हरियाणा रोडवेज से जुड़ी हर अपडेट आपको रेगुलरली यहां पर प्रोवाइड करवाई जाती है, वो भर्ती से रिलेटेड हो या फिर अन्य कर्मचारियों की कोई मांग हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर भी जरूर करें। आज इशहार में जो है हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी जो है चक्का जाम करेंगे। इसमें मांगों को लेकर कर्मचारी कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। बस स्टैंड के गेट पर भी जो है पुलिस को तैनात कर दिया गया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, हरियाणा के हिसार में जो है रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया और रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम करने की घोषणा की है। हालांकि इसको लेकर चक्का जाम को देखते हुए रोडवेज ने पुलिस कर्मचारियों को गेट पर तैनात कर दिया है। कर्मचारियों ने हिसार बस स्टैंड के गेट पर नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारियों ने दो कर्मचारियों के नेता सुभाष ढिल्लो व राजकुमार चौहान का तबादला करवाने के आरोपी जीएम पर लगाए हैं, जिसमें कर्मचारियों की मांगों को लेकर ओवरटाइम की पॉलिसी को भी तुरंत लागू करने की बात यहां पर कही गई है। चालक परिचालक के प्रथम शीट पुल के ऊपर से और बिना वर्दी के केस में फाइल किए जाने पर सभी कर्मचारियों को एससीपी का लाभ जो है कर्मचारियों पर बनाए गए केस का वापस लेना चाहिए। जीएम पर काम के प्रति लापरवाही का आरोप भी जो है कर्मचारियों के द्वारा लगाया गया है। कर्मचारियों ने जीएम के साथ कई दिनों से वार्तालाप चल रही है परंतु फेल हो रही है। अब कर्मचारी जो है 13 जून को जो है 2 घंटे का चक्का जाम प्रभावित किया है और कर्मचारियों का कहना कि महाप्रबंधक के रवैये को कारण जो है यह फैसला लिया गया है। जानकारी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें और हरियाणा रोडवेज से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से भी दोस्तों आप जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट।